अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने माँ बाप अपने फैमिलीज़ के साथ आराम से होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग एक न्यू रेसिपी बनाने वाले जिसका नाम है क्रिसेंट रिंग। तो चलिए मैं पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती। ये है 2 चिकन ब्रेस्ट, जिसको मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून के उतना अदरक लहसुन एंड 1 टीस्पून के उतना सॉल्ट डाल के बॉईल कर ली। बॉईल करने के बाद में इसको मैं इस तरीके से श्रेड कर ली। सो दीज आर 2 फुल जो बड़े साइज़ के रहते हैं वैसे 2 चिकन ब्रेस्ट। देन 1 मीडियम साइज अनियन, इसको अच्छे से फाइनली चॉप कर लीजिए। देन दीज आर पेस्ट्री शीट्स। तो अगर आपके पास पेस्ट्री शीट्स नहीं है तो यू कैन इवन मेक एट होम। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी जल्द ही अपलोड करूँगी। यहाँ पे जो शीट्स है दीज आर 3 इन नंबर्स, बट ये कितने लगेंगे हम लोग को वो ट्राइंगल्स कट करने के बाद ही आई कैन टेल। तो अभी के लिए तो मैं सिर्फ 3 शीट्स यहाँ पे रखी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम लोग लेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आप टेस्ट के हिसाब से लीजिए, बिकॉज ये जो चिकन है इसमें अगर मैं आपको एक परफेक्ट क्वांटिटी बता दूं तो मे बी वो थोड़ी कम हो जाएंगी या ज़्यादा हो जाएंगी। तो ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। देन 1.5 टी स्पून ऑफ धनिया पाउडर, सॉल्ट एज आई सेड एज पर योर टेस्ट। 3 फाइनली चॉप्ड गार्लिक्स, 3 मीडियम साइज़ के ग्रीन चिलीज़ है उसको फाइनली चॉप कर लीजिए। एंड दिस इज़ ऑप्शनल, अगर आप चाह रहे कि इसका थोड़ा सा स्पाइसी अगर आप प्रिफर करते तो लीजिए, अदरवाइज दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। देन हैंडफुल ऑफ कोथमीर, उसको भी अच्छे से वॉश करके फाइनली चॉप कर लीजिए। 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा, और ये हम लोग बेक करते टाइम थोड़ा सा ऊपर एग वॉश लगाने के बाद थोड़े से ऊपर हम लोग कलौंजी डालेंगे। आप इसकी जगह तिल के ब्लैक सेसमी सीड्स जो रहते हैं या वाइट वाले वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कलौंजी, तो मैं कलौंजी ही डालूँगी। देन तेल एज पर योर रिक्वायरमेंट, फिर भी मैं आपको बोल दूँ कि ये फिलिंग का है, जो फिलिंग हम लोग चिकन की बना रहे उसके लिए है, तो तेल का बहुत कम इस्तेमाल करिए। आपका जो भी चिकन है उसके हिसाब से तेल लीजिए, इट शुड नॉट बी वेरी ऑयली। और इसके अलावा हम लोग को रिक्वायरमेंट है 1 एग का, जिसका हम लोग एग वॉश बनाएंगे। सो दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स फॉर क्रिसेंट रिंग। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते क्रिसेंट रिंग। सबसे पहले हम लोग डाल देंगे ऑयल, ऑयल थोड़ा ही डालिए। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो गया तो इसमें हम लोग डाल देंगे अनियंस। अब इसमें हम लोग डाल देंगे अनियंस, इसको सिर्फ ट्रांसल्यूसेंट होने तक ही करना है, इसको कुछ ब्राउन नहीं करना है, नथिंग लाइक दैट। इसके साथ ही हम लोग डाल देंगे इसमें जीरा, इसको थोड़ा सा प्याज बस हल्की सी गुलाबी हो गई वो स्टेज तक इसको पका लीजिए। अब ये देखिए हमारी प्याज हो गई, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग चिकन। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग जो हमारा था गार्लिक, हरी मिर्ची, ब्लैक पेपर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची भी है तो इट शुड नॉट बी वेरी स्पाइसी। थोड़ा सा धनिया पाउडर, एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, जस्ट गिव अ गुड मिक्स। अब ये चिकन पूरा और थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा और थोड़ा पक जाएगा, हल्का सा ये कड़क हो जाएगा, वो स्टेज तक इसको अच्छे से हम लोग को पकाना है। अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ऑल स्पाइसेस आर एडेड नाउ। सिर्फ लास्ट में हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे। जब तक इसको पकाते रहिए, जब तक ये थोड़ा कड़क नहीं हो जाता, चिकन थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता।
ये देखिए हमारा जो चिकन था ये अच्छे से पक गया एंड यू कैन सी ये काफ़ी ड्राई है. इट शुड बी लाइक दिस ओनली. इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए. अब मैं इसको बंद कर दूंगी एंड आई विल ऐड थोड़ी सी कोथमीर. ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई. अब इसको हम लोग साइड में रख देंगे. इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए. उसके बाद में हम लोग इसका क्रिसेंट रिंग बनाएंगे. एंड वन मोर थिंग, मैं आपको फिलिंग्स में चीज़ बताना भूल गई. तो आप या तो चेडार चीज़ का यूज़ कर सकते हैं या मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर सकते हैं या दोनों का मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते. सो ये हमारी फिलिंग तो रेडी हो गई. आई विल कीप दिस असाइड और इसके थोड़ा ठंडा होने का वेट कर लेंगे. देन मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाऊँगी. अब हम लोग जो हमारा मेन स्टेप है जो क्रिसेंट बनाना है उसके लिए ये जो बेकिंग ट्रे है आप उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए. बिकॉज ये जब बेक होता तो ये नीचे स्टिक होने के चांसेस रहते हैं. तो इसको अच्छे से ग्रीस करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर दिस. क्योंकि आपकी जो पफ पेस्ट्री है वो बेक होने के बाद में उसका अपना जो बटर रहता उसकी वजह से नीचे स्टिक हो जाती. तो ये हो गई आपकी जो बेकिंग ट्रे है ग्रीस हो गई. नाउ विल स्टार्ट मेकिंग द क्रिसेंट रिंग. ये देखिए हम लोग, अगर आपकी बेकिंग ट्रे राउंड है सर्कल है तो आपको ज़्यादा आसानी होगी. मेरी बेकिंग ट्रे जो है वो रेक्टेंगल है और हम लोग को जो रिंग है वो सर्कल में बनाना है. तो एक कोई भी छोटी सी प्लेट बीच में लेके आप इस तरीके से पूरे साइड से आप रिंग बनाना है आपको ओवरलैप करके. तो ये मैं एक के ऊपर एक मैं आपको अभी रख के दिखाती. अब ये जो है आप सेकेंड जो रखेंगे ये देखिए यहाँ पे ओवरलैप करना है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये ओवरलैप होना ज़रूरी है. ये जो यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यही हमारा गैप रहने वाला है रिंग में. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. लाइक दिस मैं अब पूरे जो हमारे पीसेस है ट्रायंगल्स के पफ पेस्ट्री के वो पूरे एक सर्कल फॉर्म में शेप में मैं पूरे बिछा दूंगी. ये देखिए ये पूरे ट्रायंगल्स जो है हम लोग रख लिए. इट लुक्स लाइक अ सन नाउ. अब इसको हम लोग जो सेंटर में हमारा ये था ये निकाल लेंगे. ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर सर्कल फॉर्म हो गया. अब ये जो एजेस है ये पूरे एक के ऊपर एक आना, ओवरलैप होना मस्ट है. यहाँ पे टिल दिस पॉइंट हम लोग पूरी फिलिंग जो चिकन की बनाई थे वो पूरी फिलिंग इसके अंदर रख के इसको फोल्ड कैसा करना है वो मैं दिखाऊंगी. ये देखिए ये जो चिकन है, आप अगर आपके हैंड्स से डायरेक्टली मत डालिए चिकन उतर जाता, इसीलिए आप ग्लव्स पहन के या फिर स्पून का इस्तेमाल करिए. लाइक दिस एक पूरी वॉल बना देंगे हम लोग यहाँ पे. ये देखिए ये जो सेंटर में यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वो गिरेगा लेकिन आप उसको उठा के बार बार वापस रख दीजिए. एक बाउंड्री वॉल के जैसा आप बनाना है. ये देखिए चिकन की पूरी एक लेयर हमारी स्टार्ट हो गई. यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी आपको जो पफ पेस्ट्री है वो दिख रही, और वो दिखना भी चाहिए नहीं तो आपका चिकन बाहर आते जाएगा. अब इसके ऊपर हम लोग एक और लेयर डाल देंगे चीज़ की. एज आई सेड अर्लियर, मैं आपको चीज़ बताना भूल गई थी बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रेसिपी. तो इसको स्किप मत करिए. मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के टाइम दिखाना भूल गई थी. इसके ऊपर एक लेयर हम लोग चीज़ की डाल देंगे. एट दिस स्टेज अगर आप चाहे तो इसके ऊपर एलेपिनोज या फिर हर्ब्स आप कुछ भी डाल सकते हैं. बट ऑलरेडी चिकन इतना फ्लेवरफुल है सो आई डोंट थिंक वी नीड इट. और अब ये जो है आपके जो ये ट्रायंगल्स है आप इसको उठाएंगे और ये जो आपकी पफ पेस्ट्री है उसके नीचे इसको पुश कर देंगे. सो ये हो गया आपका क्लोज. मैं एक आपको सामने का बता देती. लाइक दिस आप इसको लेंगे और ये जो सामने जो ये पफ पेस्ट्री है इसको हल्का सा आप उठा के इसको नीचे फोल्ड कर देंगे. ये हो गया पैक. लाइक दिस आप ये पूरे जो ट्रायंगल्स है आप ये देखिए यहाँ पे थोड़ा गैप होना चाहिए, देन पफ पेस्ट्री सम गैप, देन पफ पेस्ट्री सम गैप, लाइक दिस.
तो ये पूरा फोल्ड करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी जो क्रिसेंट रिंग है ये तैयार है, और जितना भी एक्सेस चीज़ है जो नीचे गिर जा रहा उसको हटा दीजिए, बिकॉज़ ये स्टिक हो जाता बेक होते टाइम। नाउ अब आप एक एग वॉश तैयार करेंगे, एक एग और थोड़ा सा मिल्क लेके उसको अच्छे से बीट कर लीजिए, एकदम लम्स फ्री होना चाहिए, सिर्फ हल्का सा, ज़्यादा मत लगाइए। ये देखिए हमारा जो क्रेसेंट रिंग है वो तैयार है, इसके ऊपर एग वॉश भी हो गया। अब मैं इसको रख दूंगी बेक करने के लिए। आपका ओवन की क्या सेटिंग्स है आप वो चेक कर लीजिए, बिकॉज़ हर किसी के ओवन का डिफरेंट रहता है। मेरे पास जो है मैक्सिमम 250 वाला टेम्परेचर है, तो मैं 250 पे इसको 15 मिनट्स रखूंगी। अगर ये 15 मिनट्स के अंदर हो गया, बीच बीच में आप इसको चेक करते रहिए, बिकॉज़ ये पफ पेस्ट्री है, काफ़ी जल्दी पफ भी हो जाती और ब्राउन हो जाती, तो इसको चेक करते रहिए। अगर ये 15 मिनट्स के अंदर हो गया तो इसको बंद कर दीजिए, अगर नहीं तो मैक्सिमम इसको 20 मिनट्स रखिए ऑन हाई टेम्परेचर। और अवन को 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट बेक करने से पहले प्री हीट करना मत भूलिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्रिसेंट रिंग तैयार है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा बना, इसका जो पफ पेस्ट्री है ये प्रॉपरली सेट हो गया, एंड ये जो ब्लैक सीड्स है, कलौंजी है, वो ब्रश करने के बाद मैं ऊपर डाली थी, फिल्म करना भूल गई। तो ये देख लीजिए आप कि जब भी आप इसको बेक करेंगे एग वॉश करने के बाद में आप इसके ऊपर थोड़े से ब्लैक सीड्स डाल दीजिए। एंड आज की रेसिपी तो हमारी तैयार है, इंशाल्लाह अगली बार एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।